आपका प्यार सदाबहार बना रहे हमारी वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं राजा ब्रो के बारे में। तो जो मेरे व्यूवर्स नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए गाइस हम बात करने वाले थे राजा ब्लॉक के बारे में। तो राजा ब्लॉक से पहले एक पर्सन मिलने गया था गौरव फैमिली ब्लॉक, जो कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो मिलने गया था वो बेचारा हैंडीकैप्ड था और उनकी मम्मी जी ने उन्हें क्या जवाब दिया, तो वीडियो क्लिप में देखिए। राजा राजा भैया के भैया की मम्मी मम्मी हैं है और और भैया भैया तो तो है है नहीं, नहीं तो तो फिर तो फिर तो दिक्कत दिक्कत हो हो गया। गया। वो वो तो तो हिम्मत हिम्मत समझिए समझिए तो तो बांध बांध के के आ आ जाए जाए इनसे इनसे मिलने मिलने के के लिए। लिए। ये मिठाई दे मिठाई दे दो। दो, लेकिन अब लेकिन अब नहीं नहीं मिल मिल पाए। पाए। तुमसे सही है। कल मेरे पति ने दूर का सरपंच मिल के आया, तुमसे तुमसे बात हो बात हो पाएगा पाएगा क्या क्या फोन फोन पे? पे? हाँ नहीं, नहीं, वो वो ना ना किसी किसी का का नंबर नंबर हमको हमको भी भी नहीं नहीं देता। देता। सब सब बात बात ठीक। ठीक। वीडियो के क्लिप में देख लिया होगा कि राजा ब्लॉक की मम्मी ने क्या कहा। तो गाइस यार ये तो देखो, कम से कम वो हैंडीकैप आपसे मिलने के लिए आया। और जैसा कि एक ब्लॉग में दिखाया गया था कि इनका कोई मतलब कि फैमिली मैटर्स या कोई रिश्तेदार आया था, तो उनको इनकी मम्मी जी खिला पिला रही थी, ठीक से रख रही थी, और राजा ब्लॉग मिल के भी आया था और उन्हें घुमा फिरा के भी लेके आया। तो यार एक बेचारा हैंडीकैप, तो उनकी मम्मी जी कहती है दरभंगा गया है, और राजा ब्लॉग क्या कहता है, कहता है कि हाँ मेरे एक सब्सक्राइबर आया था मिलने के लिए, मैं थोड़ा मार्केट गया हूँ। यार उससे आके कह दो 2 मिनट बैठ जा, आप मार्केट घुमाओ, मैं आने वाला हूँ थोड़ी देर तक, तब आप मेरे से मिलके चली जाइएगा। यार और ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा, आप इतने दिन होते हैं, कम से कम एक दिन में से 1 घंटा तो आप दे ही सकते हैं, कोई बड़ी बात, 1 घंटा कोई मामूली बात नहीं होती, 1 घंटा आप दे सकते हैं। अगर आपके पास 12 घंटे हैं दिन के, तो 1 घंटा आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप गौरव फैमिली ब्लॉग क्या बोलता है उसके बारे में बताता हूँ। आएंगे फिर से, बाकी अच्छा लगा मिलके आपसे भी। सब लोग करा नहीं पता है, तो फिर जहाँ से पेमेंट निकालते हैं वहाँ गए, वो भी नहीं बताया, लेकिन फिर हम बोले कि आए हैं तो हार तो नहीं मानेंगे। एक फोन डेढ़ नहीं कर घंटा रहा था बट गया तो, एकदम। फोन नहीं अब कर रहा था तो उनसे लड़का फोन झूठ बोल करवाए रहा है बार थे बार। भैया को, दे हमको भी सपोर्ट करें तो पब्लिक। एक तो रहवे कर रहे हैं जो हमारे बच्चा किस हालत में है, हाँ सपोर्ट जितना करिए। जितना भाई बहन है, जितना मेरे बेटा बेटी है, सब देख रहे हैं। इन बाबू को आप सब सपोर्ट करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, जो भी अपना होते हैं एंड दोनों पर। सॉरी फॉर डैट कि राजा भैया से हम आपको नहीं मिला पाए, क्योंकि अब क्या करें, किस्मत लगता है मेरा ही खराब था नहीं कि नहीं चले गलती किया है, गए। ऐसा नहीं करिए। भटकते भटकते बहुत टाइम लगा आने में, लेकिन कोई नहीं, आई होप कि नेक्स्ट टाइम फिर अब इस टाइम में बात करके आएंगे। लेकिन आप प्लीज़ आंटी आपको बताइएगा कि हम ऐसे आए थे, आप एक बार बात कर लेंगे आने, तो अगर ऐसा कुछ मैसेज है। पर बात कर ले, और तो मैसेज बहुत सारा किया, मोबाइल मैसेज कहाँ है मेरा, मोबाइल है मेरे पास। बहुत किया मैं, लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत मेरे जैसा बहुत लोग का ना रिप्लाई होता होगा, तो कितना लोग को जवाब देंगे। हाँ जैसा कि आपने देखा कि गौरव फैमिली ब्लॉग ने जो बताया इसके बारे में कि राजा ब्लॉग ऐसा है, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे तो तारीफ उसने भी करी। वहाँ पे देखो कोई आगे जाता है तो मुंह पे किसी की बुराई तो नहीं करता, उसने भी पीठ पीछे आके इनकी बुराई करी। तो जैसा असल में राजा ब्लॉग दूसरों से मिलने जाता है, अगर उससे कोई ना मिले तो कैसा लगेगा राजा ब्लॉग को? वो भी तो इतनी मेहनत करते हो तुम भी, राजा ब्लॉग इतनी मेहनत करता है, तो कम से कम अगर कोई आपसे मिलने के लिए आया तो मिलना चाहिए। और जब आप मिलने किसी से जाते हो, अगर वो आपको इस तरह करे कि उनकी मम्मी चाहे कोई रिश्तेदार कहते वो बाहर गया है और वो बंदा मार्केट गया, तो कैसा लगेगा आपको? तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, आपको पता है कि जब कोई मिलने आया है तो कम से कम उससे मिलने चाहिए, दो बात बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दो बात बोलने से, अगर दो मीठे बोल बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सब्सक्राइबर आपके घर आता है, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि कोई आपके घर सब्सक्राइबर मिलने के लिए आया। तो गाइस मैं वीडियो में यही बताना चाहता था राजा ब्लॉग के बारे में कि राजा ब्लॉग अगर कोई पर्सन आता तो क्यों नहीं मिलते हैं। यार मैं मानता हूँ आप इकलौते हो, ठीक है, तो आपकी मम्मी भी चाहती है कि इकलौते भाई कोई दिक्कत उक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं होती, आपके सामने होता, आप भी खड़े हो जाइए, आपकी सारी फैमिली खड़ी हो जाएगी, राजा ब्लॉग से सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे और लोग चले जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो उनके लिए सौभाग्य की बात होता है कि व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और आप है कि कोई सब्सक्राइबर आपसे मिलने आ रहा है, तो कितनी खुशी होती है।
अरे हमसे भी कोई मिल जाएगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी, पर हमें अभी छोटे व्यूअर्स हैं, अब अभी हमसे कोई नहीं मिलने आएगा। जब फ्यूचर में यानी फ्यूचर कभी कोई हमारे से मिलने आएगा तो हम भी उनसे मिलेंगे। हाँ ये होता है कि जब व्यक्ति मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है उस टाइम, जो सब्सक्राइबर होता है कहीं ना कहीं, मतलब कि जैसे मैं ही हूँ, फिर अगर मेरे मिलियन में होंगे तो मैं कहीं ना कहीं गया हूँगा, तो वो अनफॉर्चुनेट, अगर कोई मिल ना पाए, अगर मैं ना मिल ना पाऊँ तो कहीं गया हूँगा मैं। तो जब कोई भी मतलब कि आगे बढ़ता है तो उसे 10 जाने पूछते हैं, तो ये बात होती है जब 10 जाने पूछते हैं तो कोई कहीं बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है उसको। तो यार आप जब अभी तो इतना मतलब कि राजा ब्लॉग अभी मेरे तकरीबन 20,000 सब्सक्राइबर हुए हैं उनके, और कम से कम उनको तो मिल लेना चाहिए, और ज़्यादा दूर तो गए भी थे, वो मार्केट गए थे, तो अगर उनकी मम्मी जी कहती इंतज़ार कर लो तो वो राजा सॉरी गौरव फैमिली ब्लॉग इंतज़ार भी कर लेता, अगर इतनी दूर से वो आया तो, अगर वो इतनी दूर से आया तो जब वो पूरा दिन वहाँ काट सकता है तो वो 2-4 घंटे इंतज़ार भी कर सकता था। और दूसरी बात ये कहते हैं कि उनकी मम्मी के पास उनका नंबर नहीं है, अरे चलो मम्मी के पास नंबर नहीं है तो पड़ोस में किसी के पास तो उसका नंबर होगा, किसी पड़ोस में कहते हैं किसी को नंबर नहीं देते। अरे यार किसी को नंबर, इसका मतलब किसी को कॉन्टेक्ट ही नहीं करता हो राजा ब्लू, कम से कम इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि घर में किसी के पास नंबर नहीं है, मुझको भी नहीं देता। अरे यार घर में कोई फोन ही नहीं है, यानी कि राजा ब्लॉग से कोई सब्जी वब्जी मंगानी हो तो कैसे मंगाते हो आप लोग? राजा ब्लॉग ही कोई सामान लाना हो, अगर उसको कांटेक्ट तो करते हो गए आप लोग कि हाँ भाई भैया ये लेने के आना, चाहे उनकी बहन फोन करती होगी कि भैया ये लेते आना, मम्मी फोन करती होगी बेटा ये लेते आना, कहीं बाई चांस भूल जाता सामान तो कैसे कॉन्टेक्ट करते दूर से, राजा ये लेता ही हो? ऐसा नहीं होता भाई, आपके पास नंबर होगा, आप कांटेक्ट नहीं करवाना चाहते वो बात अलग है, अगर आप कांटेक्ट नहीं करवाना चाहते वो बात अलग है। तो गाइस अगर कोई सब्सक्राइबर आपसे मिलना है तो ऐसे कोई बात नहीं करना चाहिए। चलिए गाइस मैं आपको ये बताना चाहता था, और वीडियो में आप किसी नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपको और बताएंगे किसी और चीज़ के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।